हमारे पास है निकोन का D7000 कैमरा, ठीक है। इस कैमरे में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके इसमें फोकस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि आपका ये कैमरा सही से फोकस ना करे, तो उसमें किस प्रकार से आप कहां से इसकी सेटिंग करके इसके फोकस को बिल्कुल सही कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे कोई भी कैमरे में चार प्रकार के फोकस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो मैनुअल फोकस होता है, उसके बाद ऑटो फोकस होता है, उसके बाद कंटिन्यू, और उसके बाद सिंगल फोकस होता है, ठीक है। ये चार प्रकार के फोकस होते हैं। अब निकोन 7000 में ये फोकस की सेटिंग कहाँ से कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये वाला यहाँ पे देखिए, आपको इस टाइम AF सिंगल लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे AF A भी लिखा आ सकता है और यहाँ पे AF C भी लिखा आ सकता है, ठीक है। इनका फर्क क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मैनुअल फोकस करना है तो देखिए इसके बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे चाहें तो देखिए यहाँ पे ये ऑटो AF लिखा हुआ है और यहाँ पे M लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से इस तरफ कर देंगे हम यहाँ से, तो ये मैनुअल फोकस करेगा, ठीक है, आपको खुद से मैनुअल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप यहाँ से अगर इस पर ऑटो फोकस रहेगा और यहाँ से आप देखिए यहाँ पे A और M लिखा है, यानी कि ये भी फोकस का ही सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से भी ये फोकस करेगा, ठीक है। A अगर आप इसको यहाँ पे M पे करेंगे तो यहाँ से ये मैनुअल फोकस करेगा, ठीक है, और यहाँ से ये ऑटो फोकस करेगा, ठीक है। ये सेटिंग होगी। इसके बाद चलते हैं कि ऑटो फोकस के अंदर जो तीन अगले नए सेगमेंट हैं, जैसे ऑटो फोकस, सिंगल और कंटिन्यू फोकस, इनकी सेटिंग के बारे में बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए 7000 में आपको ये बदलने के लिए सबसे पहले जो यही बटन है ना आपका, जहाँ से आप ऑटो और मैनुअल करते हैं, इसके बीच में देखिए ये डॉट दे रखा है, इसको आपको यहाँ से दबाना है। दबाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इस डिस्प्ले पे आपको ये वाला दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए ऑटो आ गया और यहाँ से सिंगल कंटिन्यू, ये चीज़ सिंगल, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इनका आपको प्रयोग किस तरह से करना है, कहाँ से करना है, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर आप इसके अंदर वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो अगले डायलर से कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखिए यहाँ से सिंगल पॉइंट हो गया और यहाँ से ऑटो फोकस हो गया, यानी फुल फ्रेम, ठीक है। ये इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। और अब इनके ऊपर जो सेटिंग अप्लाई होती है हमारी, वो कहाँ से होती है, देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ पे मेनू पे जाना है, तो यहाँ पे मेनू पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे इसमें आ जाना है, ठीक है, इस पेंसिल वाले आइकन में, और यहाँ पे आपको ऑटो फोकस इस पे चले जाना है, ठीक है, पहले वाले पे। ये बहुत सारे हैं लेकिन मैं भी आपको ऑटो फोकस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, AFC, ठीक है, यानी कि कंटिन्यू फोकस, ठीक है। अब हमारा क्या है, यहाँ पे ये AFS लगा हुआ है, यानी सिंगल शॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारी यहाँ पे सेटिंग है AFS, ठीक है, ये वाली दूसरे नंबर पे, तो हमें यहाँ पे करना है और इस वाली सेटिंग को यहाँ से करना है। ये यहाँ पे फोकस है, ठीक है, और यहाँ पे दो रिलीज, इसके अंदर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब फोकस में क्या होता है कि फोकस में ये होता है, अगर आप किसी फोटो क्लिक करेंगे तो वो हमारी फोकस में आती है, ठीक है, यानी फोकस करता है उसके बाद क्लिक करता है, यानी कि जैसे हम यहाँ से बटन को रिलीज़ करते हैं तो उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि वो फोकस करना शुरू करता है, उसके बाद क्लिक करते हैं हाफ प्रेस करने के बाद, जैसे ये वाली चीज़ आती है इसमें। लेकिन अगर आप यहीं रिलीज पे क्लिक करोगे तो रिलीज पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप बटन दबाओगे तो फोटो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें आपकी कई बार ब्लर भी फोटो आती है, कई बार क्लियर भी आती है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको चाहे जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस पर फोकस कर देते हैं जो हमारा सिंगल शॉट वाला है, ठीक है। जैसे हम कहीं वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या फिर किसी सिंगल लड़की की फोटो करते हैं, किसी चीज़ की, सब्जेक्ट की, रुके हुए सब्जेक्ट की, ठीक है, वो करते हैं तो हमारा सिंगल शॉट में आता है, ठीक है। ये सारी की सारी फोटो आपको क्लियर मिल जाती है। अब यहाँ से जैसे मान के चलते हैं कि अब मुझे कंटिन्यू फोकस करना है, ये दबाया मैंने और यहाँ से देखिए ये दबाया मैंने और यहाँ से देखिए मैं कंटिन्यू फोकस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अभी जो इस फोकस के ऊपर जो सेटिंग अप्लाई होती है हमारी, वो यहाँ से ऑटो फोकस के अंदर गए और यहाँ से जो AFC लिखा हुआ है, ये वाली सेटिंग हमारी अप्लाई होती है। तो देखिए यहाँ पे रिलीज है ये। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू शॉट का बटन दबाओगे, AFC करके फोकस एरिया सेट करोगे और उसके बाद बटन दबाओगे, तो जो हमारी फोटो है वो हमारी कंटिन्यू खींचती चली जाएंगी। अब उसमें वो कोई ब्लर फोटो भी आ सकती है, कोई साफ फोटो भी आ सकती है, कोई अच्छी फोटो भी आ सकती है, और अच्छी फोटो आपकी बेकार भी हो सकती है। लेकिन अगर आप यहीं पे इसी वाले ऑप्शन में आप यहाँ सिंगल शॉट में नीचे फोकस पे करोगे, तो सबसे पहले ये आपका फोकस करेगा और उसके बाद आपकी फोटो को क्लिक करेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन ये बेस्ट है। आप जिस जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से कर सकते हो। और मैं आपको अभी थोड़ा सा बता दूंगा कि यहाँ पे देखिए क्या होता है। जैसे अगर आप इसमें से पहले वाला करते हैं, देखिए यहाँ से जैसे मैं बता दूँ ये चीज़ होगी, जैसे आप यहाँ से AF इस पर करते हो, ठीक है, AF ऑटो पे, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फोकस करेगा, ऑटोमेटिकली ब्लर करेगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक करेगा।
अगर आप यहाँ AF SP करते हो तो इसका मतलब होता है कि जैसे आप कोई सिंगल शॉट लेना चाहते हो, जैसे कोई आपका लड़का खड़ा है, आपकी मॉडल खड़ी है, या फिर आप कोई वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, तब आपका मैक्सिमम ये सिंगल शॉट में आएगा। अब जो आपका अगला है यहाँ पे देखिए कंटिन्यू फोकस होता है, ये हमारा होता है कंटिन्यू चीज़ के लिए, जैसे कि इसमें पता चल रहा है कि कंटिन्यू का मतलब होता है रनिंग में, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है तो पक्षी उड़ने की जो हमारी फोटो आएगी वो इसी कंटिन्यू शॉट में आएगी, यानी कि ये इसमें फोकस करेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक कर देगा उसमें, यानी कि आपकी फोटो ख़राब नहीं आएगी अगर आपने कंटिन्यू CF की सेटिंग को रिलीज पे रखा हुआ है या फिर फोकस पे रखा हुआ है। तो अगर रिलीज पे रखा है तो वो ऑटोमेटिकली जैसे इसके सेंस ऑफ ह्यूमर काम करेंगे वो देख लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सभी का अपना कैमरे में सेटिंग कर सकते हो और आई हुई प्रॉब्लम का इनमें से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो में फोकस से रिलेटेड सेटिंग समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा फिर भी आपका कोई और सवाल है, कुछ और वीडियो चाहते हैं, तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर रोज़ कमेंट पढ़ते हैं शाम को 6 या 7 बजे से। अगर हम कहीं प्रोग्राम पे हों, बाहर हों, तब हम अगले दिन पढ़ते हैं, लेकिन आपके सभी कमेंट हम पढ़ते जरूर हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।